आज संडे है और बेटा भी घर है, बेटी भी घर है, और ये बन रहा है नाश्ता। ये बेटे की नियुक्ति बन रही है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि नाश्ते में क्यों खाई जा रही है, लेकिन खाई भी जा सकती है इसलिए कि 12 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है। तो ये थोड़ी सी नियुक्ति है जो कि उसने खानी है, फ्रीजर से निकाली थी। और ये उसका ऑमलेट बना है मिर्चों वाला, और मैं आज खाने लगी हूँ पराठा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने रात को एक वीडियो देखी, हमारी एक यूट्यूबर बहन है पाकिस्तान की, तो वो पराठा और अंडे का नाश्ता खा रही थी। तो मैंने कहा बड़ा टाइम हो गया मैंने नहीं खाया, बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो पराठा नहीं खाना। मैंने कहा चलो फिर अगर तुम लोगों ने नहीं खाना तो मैं तो खा सकती हूँ ना। और ये बन रही है चाय मेरी और मेरी बेटी की, बेटे ने खाया मैंने नहीं लेनी, मैं कॉफ़ी लूँगा इसके साथ। ये इस वक्त बन रहा है नाश्ता, और पीछे मेरे दोनों बच्चे मेरे सर पे खड़े हुए हैं, उन्हें भूख लगी हुई है और बातें कर रहे हैं। ये मेरे बेटे की नाश्ते की जो प्लेट है वो तैयार हो गई है, और ये कोता डाल रहा है वो साथ साथ, तो मज़े लेके कप कप करके खाएगा। और ये मेरा बन रहा है अंडा अब, और मैं बनाने लगी हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं मेरा कोई नाश्ता नहीं है। हाँ जी, मैंने बेटी से पूछा था, जिसने कि फौरन जवाब दे दिया नहीं पराठा नहीं हमने खाना। तो अब मुझे तो नहीं पता, चाय उसने कहा कि मैं चाय आज आपके साथ पीऊँगी, तो चाय मैंने बना दी है। और देखें वो ब्रेड लेगी क्या लेगी मुझे नहीं पता। ये है जी मेरा नाश्ता, ये है पराठा, ये अंडा जिसकी के जर्दी टूट गई है, और इधर मेरी चाय कप में डाल दी। ये है जी इस वक्त मेरी बालकनी की हालत, ये इधर भी सारी चीज़ें अब बिखरी हुई हैं, नीचे फर्श पे भी सब सामान बिखरा हुआ है। और आज बहुत अच्छा मौसम बता रहे हैं, धूप है, और अगले पूरा वीक जो बता रहे हैं वो बारिश है। तो मैंने सोचा कि मौसम से फ़ायदा उठाया जाए और आज बालकनी अपनी साफ़ कर ली जाए, ये कुर्सियाँ मेज़ वगैरह भी उठा दी जाए, अब ठंड हो गई है, तो आज इस बालकनी की हम शक्ल सही करने लगे हैं। ये हो गई है जी मेरी आज बालकनी साफ, सर्दियाँ आने से पहले पहले। ये कुछ पौधे हैं जो कि रहते हैं, एक ये पौधा, एक पुदीने का और एलोवेरा का, ये तीनों तो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन पुदीने को मैं किचन में ले जाती हूँ सर्दियों में, एलोवेरा यहीं पे रहता है। और ये जो लेमन का है इसको मैं जो बेटी का रूम की जो खिड़की है वहाँ पर डेली ज़्यादा धूप आती है, सर्दियों में भी जब कभी धूप आए तो वहाँ पर आती है, तो ये फिर मैं अगले 6 महीने के लिए जब तक सर्दियों का सीज़न होता है मैं वहाँ रख देती हूँ। और इस पर भी काफ़ी फूल आ रहे हैं इसलिए मैंने इसे ख़त्म नहीं किया, ये भी ऐसे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये मेरे 2 साल से चल रहे हैं ऐसे फूल। और इनके ऊपर थोड़ा सा भी टमाटर वगैरह हैं तो इनको मैंने अभी रहने दिया, अगले 2-3 हफ्ते देखती हूँ, अगर तो ये टमाटर पक गए तो मैं उतार लूँगी, नहीं तो फिर इनको भी मैं निकाल के फेंक दूँगी। और ये हैं गेंदे के फूल जो ये भी थोड़े हैं इसमें, इसलिए मैंने इन्हें नहीं उतारा। और बाकी जो बालकनी का ये साइड है जहाँ पे पौधा नहीं होते, यहाँ से मैंने मेज़ उठा के मैं उधर रख देती हूँ, कुर्सियाँ उल्टी करके ऊपर रख देती हूँ, और वो जो अम्ब्रेला होती है वो भी बंद करके, बाकी ये कुशन वगैरह सारे। और जो गमले हैं वो चूँकि काफ़ी भारी होते हैं, बेसमेंट में हमारा है स्टोर भी, ऊपर भी है और नीचे भी, लेकिन मैं वहाँ नहीं भेजती इसलिए कि बहुत भारी होते हैं, बच्चों के लिए उठा के लेके जाना और फिर 4-5 महीने के बाद फिर वापस लाना, तो मैं इन सबको खाली करके इस तरह मेज़ के नीचे रख देती हूँ ताकि जब समर आए तो फिर दोबारा निकाल के मिट्टी वगैरह डाली जाए। और बस बाकी यहाँ हुआ रखती है। और ये हो गई है मेरी बालकनी साफ, वो प्याज और आलू वगैरह पड़े हुए हैं उसके ऊपर, बस ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा पड़ी रहती हैं। तो ये बालकनी साफ हो गई, ये सारी चीज़ें उठ जाती हैं मेज़ पर, उठ जाती है तो मज़ीद खुली हो जाती है बालकनी यहाँ से। ये आज की अचीवमेंट है मेरी, मैंने संडे को खाली नहीं जाने दिया, मौके से फ़ायदा उठाया, और अब जो जितने भी यहाँ की मिट्टी और पौधे निकले हैं वो वहाँ नीचे गार्डन में और कॉर्नर में उन्होंने बनाया हुआ है कंपोस्ट के लिए, सारी चीज़ें हैं मिट्टी और फूल पौधे पत्ते वगैरह जो होते हैं वहाँ पर खाद बनती रहती है, वहाँ पर बेटा फेंक के आएगा मेरा भी।
तो ये होगी मेरी आज की कार्रवाई। ये इस वक्त बज रहे हैं रात के 9 और मैं और मेरी बेटी बैठ के टीवी देख रहे थे, तो कहती है मम्मा इस वक्त ना कुछ दिल कर रहा है खाने को। मैंने कहा मैं बना के लाऊं कॉर्न। जो लोग तो दुबई में अरब कंट्रीज़ में रहते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होता ही है, और वहीं पे मैंने खाया है। मुझे नहीं पता कि आप दूसरे मुल्कों में भी ऐसे कोई छोटे छोटे कॉर्नर से बने होते हैं शॉपिंग मॉल के अंदर, वहाँ पे कॉर्न आपको मक्खन के बीच में गरम करके और ऊपर मसाला डाल के और लेमन डाल के देते हैं और चीज़ डाल के। तो वो मुझे याद आया एकदम कि जब भी हम दुबई जाते हैं तो खाते। मैंने अपनी बेटी को कहा, कहती अच्छा जब मैं गई थी तब तो नहीं आपने मुझे खिलाए थे। मैंने कहा वो बस इत्तेफाक है कि नहीं खिलाए थे। तो मैंने कहा चलो कॉर्न पड़े हुए मैं बनाऊँ। कहती हाँ मामा बनाए। तो मैंने ये मक्खन निकाल लिया इसमें थोड़ा सा, और ये दो छोटे टिन पड़े हुए थे कॉर्न के, एक लेमन, और या चाट मसाला डालूंगी या नमक मिर्च डालूंगी, देखें क्या डालती हूँ। बस इसलिए थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इस पर फिर मैं ये कॉर्न डाल दी। मैंने इसके बीच में मक्खन डाला था जो कि मेल्ट हो गया। अब ये मैं डाल रही हूँ। तमाम वो तो चीज भी डालते थे, चीज डालूं हैं? ओके इसमें मैं डाला है ये चीज। मेरे पास दूसरा चीज तो नहीं था, कद्दूकस किया हुआ जो होता है ये ड्राई चीज है जो पास्ता वगैरह पे डलता है, तो फ्रिज में पड़ा हुआ था ये, तो मैंने यही इसमें डाल दिया इसके बीच में थोड़ा सा। और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और लीमू भी। तो मैंने अब इसमें डालना था चाट मसाला, लेकिन मेरी बेटी स्पाइसी नहीं खाती तो उसके लिए अब मैं अलग बनाऊंगी बाउल में और अपने लिए अलग मसाला डालूंगी। ये जी आधी आधी रात को हम माँ बेटी को कुछ ना कुछ सोचता रहता है और हम खाते रहते हैं। बेटी के लिए मैंने डालना है काली मिर्चें, मैं भी डाल दूं थोड़ी सी। और अपने में मैं डालूंगी चाट मसाला भी, लेमन मैंने पहले थोड़ा सा डाला है लेकिन थोड़ा सा और डाल देती हूँ। पानी आ रहा है बहुत। ये हमारे मज़ेदार सा रात के 9 बजे हम माइस खाने लगे, कॉर्न डाल के बीच में चीज़ लेमन और मक्खन, मज़ेदार सा। कलमी से चख के बताओ कैसा लगा है। लग रहा है मज़े का, लग रहा है मज़े का है ना। आपने अभी चाट मसाला नहीं डाला तो आपका स्पाइसी नहीं है ज़्यादा, अगर आपने वो डाला होता तो मज़े। हाँ मैंने डाला है, मेरा चखो चखे देखो फिर आपको भी डाल के ला देती हूँ। एकदम नहीं। चलो अब ये खाओ।